मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? हम पढ़ रहे हैं पुस्तक राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेहनत ही धन है। तो एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, मेहनत ही धन है। बहुत पुरानी बात है, श्रीपुर नामक गांव में एक व्यक्ति सपरिवार रहता था। सपरिवार यानी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसका नाम हरिशंकर था। हरिशंकर बहुत आलसी और कामचोर था। उसके पड़ोसी तथा गांव वाले उसे निरंतर समझाया करते कि कुछ काम धाम कर लिया करो, परंतु वह था इटस से मस न होता था। लोग समझाते समझाते थक गए और अंत में उन्होंने उसे समझाना ही बंद कर दिया। कहते हैं ना कि एक ही बात अगर किसी को बार बार कहते रहो और उसको नहीं समझ में आती है तो हमें शांत हो जाना चाहिए। दिन भर बैठे बैठे हरिशंकर केवल एक ही बात सोचता रहता था कि कितना अच्छा होता यदि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता। गड़ा हुआ यानी पृथ्वी के अंदर से कुछ भरा हुआ खजाना, सोने चांदी की मोहरें मिल जाती और मैं आराम से रहता। वह अपने लिए शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और आराम से रहता। हरिशंकर की पत्नी सरस्वती उसके आलसीपन और अकर्मण्यता यानी जो किसी भी काम को नहीं करना चाहता से बहुत परेशान थी। वह बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और अपने पति का पेट भरती थी। सरस्वती यदि हरिशंकर को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। हरिशंकर के पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में बंजर हो गए थे। बंजर हो गए थे यानी सूख गए थे, बेकार हो गए। एक बार भीषण अकाल पड़ा। भीषण यानी भयंकर। चारों ओर हाहाकार मच गया यानी शोर मच गया। लोग भूखों मरने लगे। सरस्वती बेहद चिंतित थी, परंतु हरिशंकर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की ही भांति लापरवाह दीवा स्वप्नों में खोया रहता। दीवा स्वप्नों यानी ख्याली पुलाव में, ख्यालों में ही खोया रहता था। सरस्वती ने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वे भी खत्म होने लगे। उसी समय गांव में एक संत आ गए। गांव की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत हो गया यानी दया से भर गया। वे मीठी वाणी में प्रवचन करने लगे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन सरस्वती भी उन संत के पास गई और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। दुखड़ा यानी अपनी परेशानी, अपना दुख। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाए। जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। हाँ, उससे कहना कि संत तुम्हें गड़े धन का पता देने के लिए बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत आलसी है और अगर हम उसको उपदेश देने के लिए या कोई ज्ञान देने के लिए बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ और जाकर बोलो कि वो तुम्हें गड़े हुए धन का पता बताने को बुला रहे हैं। सरस्वती उन्हें प्रणाम करके चली गई और घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कही जो संत ने बताई थी। यह सुनते ही हरिशंकर दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गड़े धन का पता बताइए। अब संत लोग तो बेटा बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। संत बोले, धैर्य रख बेटा, धैर्य यानी धीरज रख, मैं तुझे अभी धन का पता बताती हूँ। जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है यानी मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हरिशंकर ने कहा, उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। संत बोले, क्योंकि उनको पता था कि वो कामचोर है, आलसी है ना। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज, हरिशंकर जल्दी से बोला। वह धन पाने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। संत कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की कुछ जमीन है? अब संत को तो पता था कि उनके पास जमीन है, तब भी उन्होंने जानबूझकर उससे पूछा।
हरे शंकर ने हाँ में से दिलाया, तो चल मैं तुझे वहीं बताऊं। संत ने कहा और हरे शंकर को लेकर उसके खेत की ओर चल पड़े। हरे शंकर के खेत पर पहुंचकर संत ने एक समतल स्थान पर बड़ा वृत्त खींचकर, वृत्त यानी बोला, खींचकर कहा, देखो वत्स, इस वृत्त के भीतर ही वह धन गड़ा हुआ, यहां से खुदाई प्रारंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तूने परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, यानी तुम्हें उस गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेहनत नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपके आज्ञा अनुसार ही काम करूंगा महाराज, मेहनत से तनिक भी जी नहीं चिराऊंगा, यानी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, हरे शंकर ने कहा। हरे शंकर ने घर से फावड़ा, फावड़ा जानते हो क्या होता है बेटा, जिससे खेतों की हम खुदाई करते हैं, लाकर खुदाई प्रारंभ कर। उसके मस्तिष्क में तो गड़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था, यानी वो तो केवल एक ही सनक थी, उसको एक ही जिंदगी थी कि किसी तरीके से गड़ा हुआ धन मिल जाए। वह दिन रात मेहनत कर जमीन की खुदाई करता रहा। निरंतर खुदाई होने से वहां गड्ढा होने लगा। अब वह कुएं का रूप धरता जा रहा। तभी एक दिन जब हरिशंकर ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फव्वारा फूट पड़ा। अब पानी कहाँ से निकलता है बेटा, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और उसने खोदते 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 इतना गहरा गड्ढा खोद दिया कि वहां से पानी निकल पड़ा। हरिशंकर घबराया हुआ संत के पास पहुंचा। क्यों घबरा गया, क्योंकि संत ने तो कहा था कि वहां तुम्हें गड़ा हुआ धन मिलेगा, लेकिन धन तो मिला नहीं। महाराज महाराज, वहां धन तो नहीं मिला, परंतु वह गड्ढा पानी से भर गया, अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा, हरिशंकर परेशान हो गया। धीरज रख बेटा, तू धन के पास ही पहुंच गया है, अब तू खेत की जुताई कर, बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से खेत की सिंचाई कर। अब देखो, ये भी एक आलसी व्यक्ति को मेहनत कराना करना सिखाने का एक तरीका था संत कि उन्होंने कहा, अब तुम तो उसके बहुत निकट पहुंच गए हो, उसी पानी से खेतों में बीज को उसकी सिंचाई करो, पौधे से सोने की बालियां निकलेंगी और उससे ही तू मालामाल हो जाएगा। संत ने हरिशंकर से कहा। हरिशंकर को यह युक्ति बता संत गांव छोड़कर अन्यत्र यानी दूसरे जगह चले गए। हरिशंकर के सिर पर से धन पाने का भूत अभी उतरा नहीं था। उसने खेत की जुताई कर बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। अब एक दिन वह आया जब खेत में फसलें लहलहाने लगी। की बात है बेटा, जब हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी हमें मिलेगा ही। हरिशंकर ने साधु के बताने के हिसाब से मेहनत किया, बीज बोया, सिंचाई करी और उसके खेत जो है वो फसल से लहलाने लगे। लहलाती फसलों को देखकर हरिशंकर का मन झूम उठा था, यानी बहुत खुश हो गया था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि कोई धन गड़ा हुआ धन नहीं होता है। अब तो वह पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल के होते हुए भी उसके खेतों में 16 आने फसल हुई थी। 16 आने यानी बहुत फसल हुई थी। उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। अब वह मेहनत का मूल्य जान चुका है, यानी मेहनत करने से ही हमें धन मिलता है, यह उसको समझ में आ गया। एक दिन वही संत पुनः गांव में आए। वे सबसे पहले हरिशंकर के खेत पर गए और बोले, तुझे धन मिल गया बेटा। हरिशंकर संत के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी, परिश्रम से बड़ा धन कोई नहीं, मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। यानी जिस बात को उसकी पत्नी कह कह के समझा समझा कर थक गई थी, दुखी हो गई थी, उसी को उन संत ने बड़े ही आसानी से उसको समझा दिया। इस प्रकार हरिशंकर गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं अपितु मेहनती किसान के रूप में जानने लगे थे। अब हम प्रश्नोत्तर करें बच्चों। हरिशंकर की पत्नी उससे क्यों परेशान थी, क्योंकि वह आलसी और अक
कर्मण्य। कर्मण्य था। हरिशंकर के गांव का क्या नाम था? शिरीपुर। मेहनत करने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है, इस वाक्य पर प्रकाश डालें। तो मेहनत करने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है का मतलब ये है कि मेहनत ही धन है। मेहनत ही धन है, यानी जब हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें उसका अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्रस्तुत कहानी से आपको क्या सीख प्राप्त हुई? प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें सदैव मेहनत करते रहना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, है ना? हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, है ना? भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अचानक ही हमें कुछ नहीं मिलता, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपना कर्म मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। हरिशंकर कैसा व्यक्ति था? आलसी, कामचोर, इनमें से कोई नहीं। तो वो आलसी भी था और कामचोर भी था। हरिशंकर की पत्नी उससे रहती थी, परेशान, खुश, सुखी, इनमें से कोई नहीं, परेशान रहती थी ना। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन परिश्रम है। ये इस बेटा रिक्त स्थान करें। श्रीपुर गांव में एक व्यक्ति सा परिवार रहता था। हरिशंकर की पत्नी हरिशंकर के आलसीपन और अकर्मण्यता से बहुत परेशान रहती थी। उसके मस्तिष्क में तो गड़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था। अब एक दिन वह आया जब खेत में फसल लहलहाने लगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।